हेलो दोस्तों, तो सेकंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। तो अलॉटमेंट के बाद आगे स्टूडेंट्स को क्या करना है, तो इसमें देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स हैं या तीन तरह के स्टूडेंट्स मान लेते हैं हम। पहले वो जिन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई थी, तो उन्हें आगे क्या करना है। अगर उन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में सीट अलॉट हुई थी और सेकेंड काउंसलिंग में उन्हें माइग्रेशन मिल गया है, उनकी स्ट्रीम वगैरह चेंज हो गई है, तो अगर उनका स्कूल बदल चुका है तो उन्हें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेना होगा पुराने वाले स्कूल से और फिर उसे नए स्कूल में सबमिट कर देना होगा जो भी उनको नया स्कूल मिला है। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, कुछ स्पेयर सेट ऑफ कॉपीज यानी कि आपको सर्टिफिकेट्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए और लेटेस्ट फोटोग्राफ। फीस वगैरह आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी, बाकी कुछ डिफरेंस रहा तो आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा जिन्हें पहली बार सीट अलॉट हुई है सेकेंड काउंसलिंग में, उन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में अगर सीट अलॉट नहीं हुई थी तो उन्हें क्या करना है, उन्हें एडमिशन फॉर्म को भरकर, एडमिशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे जैसे आप लॉगिन करेंगे, साथ में आपको सर्टिफिकेट्स की कॉपीज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और लेटेस्ट फोटोग्राफ वगैरह ये सब लेके जाना है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपकी सीट जो है कैंसिल हो सकती है, इसलिए आपको टाइम रहते जो है पहुँच जाना है। और टाइम जैसे कि आपको पता है कि 25, 26 और 28 का टाइम भी है, क्योंकि जब हम लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने से पहले जब वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ 28 का भी टाइम शो कर रहा है कि 28 तारीख का समय भी आपके पास है। और जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग दोनों में ही सीट अलॉट नहीं हुई है तो उनकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है। तो फ़ीस रिफ़ंड का प्रोसेस कैसे होगा उसके बारे में आपको जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा।